मैडम को लाओ, वोट से 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 मैडम को लाओ। नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। मुंबई के एपीआई बोरसी के लिए तमाम मुंबई कोसा की आवाम आई रास्ते पर। जी हां दोस्तों, मुंबई की दबंग लेडी कहे जाने वाली एपीआई कृपाली बोरसे मैडम को आनंद फानंद में यहां से तबादला किया गया है, जिसके चलते मुंबई कोसा की आवाम काफी आक्रोशित हो चुकी है। आपको बताते चले कि एपीआई बोरसे वो शख्सियत थी जिसने मुंबई कोसा में नशे के सौदागरों को पूरे तरीके से लगान कसने की कसम खा चुकी थी और लगभग बड़े बड़े लोगों पर भी केस बनवाए गए थे। अब आखिर क्या वजह थी प्रशासन की जो इस तरीके से अचानक में एपीआई बोरसे का तबादला किया गया, इसका जवाब मुंबई कोसा की आवाम प्रशासन से मांग रही है। धन्यवाद। आशिम भाई, जैसे कि आज मुंबई कोसा में तमाम नौजवान युवक ने बोरसे मैडम के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको वापस लाओ, क्या वजह है, क्यों उन्हें हटाया गया, आप क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपके न्यूज के माध्यम से मैं मुंबई के लोगों को बता दूं कि मुंबई में सबसे ज्यादा लोग परेशान है तो वो नशे से, और जो नशा हटाने आया तो उसको ही लोगों ने हटा दिया। पहला मुद्दा ये हो गया कि हमारे इधर जो अभी एक लेडीज आई थी एपीआई रूपाली भोरसे मैडम आई थी, जिन्होंने मुंबई में नशे के लिए हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो कोई भी ऐसा मसला हो, उन्होंने नाइट में भी जो 11 बजे के बाद काम किया मुंबई के लिए, मुंबई में नशा को सबसे पहले उन्होंने भगाया। तो नशा जो था मुंबई में, लोग परेशान थे तो मैडम को ही ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि नशा लोग चाहते हैं कि हटे नहीं, ऐसा लगता है। मतलब ऐसे में आप कहना चाहते हो कि नशे माफियों ने ये काम करवाया है? नहीं नहीं, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये किसी बड़े जिम्मेदारों ने किया है, क्योंकि इतनी बड़ी एपीआई मैडम को हटाना थाने का काम नहीं होता है, ये किसी बड़े का दिमाग लगा हुआ है जो मैडम को हटाया गया है। और हम सब की मांग है, मुंबई के लोगों की मांग है कि एपीआई हमारी जो मैडम थी उनको वापस लाया जाए और मुंबई को नशे से बचाया जाए। और वो जो पोस्ट पे थी उनको उसी पोस्ट पे लाया जाए, नहीं तो ऐसा दूसरा और ऐसा कई प्रोटेस्ट हम लोग करने के लिए रेडी है। हमारे साथ में कई नौजवान है, हमारे साथ में शहबाज आजमी जो सारे अपने ग्रुप को लेकर आज इधर अलमास कॉलोनी के गेट पे मौजूद है। शहबाज भाई, इस मामले में आप क्या कहोगे मुंबई कोसा की आवाम को? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये जो ट्रांसफर करा गया है इसी को दिन, मतलब मैडम तो अच्छे काम कर रहे थे इसके वजह से किया गया, और इसके वजह से आइंदा मुंबई में कोई अच्छा ऑफिसर आएगा नहीं, जिनको काम करने का है तो वो इधर पे आएगा काम करेगा, तो यहाँ के जो पार्टी के लोग और जो भी मतलब बड़े लोग अधिकारी लोग हैं लोग उनका ट्रांसफर कर देते, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो मुंबई आगे अच्छा हो जाएगा। लोग चाहते हैं कि मुंबई अच्छा ना हो, मुस्लिम इलाका हमेशा नशेड़ियों में दबा रहे और डूबा रहे नशे में, उनका कहना वही है। और इसके लिए मतलब मैडम ने इतना अच्छा काम किए तो लोग ये कर रहे कि उनका ट्रांसफर कर दिए, और आज हम इसके लिए जमा हुए कि उनको वापस लाएं, और दोबारा मतलब अगर मैडम आते हैं और वो वापस अपना काम करते हैं तो इंशाल्लाह आगे जो दोबारा कोई उनका ट्रांसफर आज इधर नहीं कहीं और भी हो सकता है, तो जो दूसरे ऑफिसर आएंगे वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे, वरना ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये होगा कि मतलब काम कर रहे तो उनको इधर से ट्रांसफर कर दिया जा रहा कहीं और, तो उसके लिए दोबारा मतलब ये चीज ना हो इसके लिए हम लोग ने प्रोटेस्ट निकाले हैं कि मैडम को वापस लाए और आगे का मुंबई बचाए, कि अगर मैडम अभी आएंगे तो आगे के जो अच्छे ईमानदार ऑफिसर रहेंगे तो वो भी आगे तक अपना दिल लगा के काम करेंगे, अपना काम करने का नतीजा ये होगा कि ये जो लोग हैं वो लोग साथ हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन लोग के पीछे थे छुड़ा बोक दे रहे, जिसके लिए जो काम है आज हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा, तो दोबारा आगे के लिए मुंबई भी अच्छा होगा। महिलाएं भी हैं वहाँ से, वहाँ
मैडम की वापसी, मैडम की वापसी। कला घरेलू झगड़े भी अब हो रहे थे तो उसमें आधे से ज़्यादा में नशा इन्वॉल्व नजर आता था पुलिस स्टेशन में। अब वो नशा ख़त्म हुआ है, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बाप ये इस नशे में लुप्त होकर घर के घर बर्बाद हो गए। क्या कहेंगी मैडम ने इस चीज़ को कम करने की अपने तौर पर कोशिश की थी, क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे आप? आपका क्या बोलना है? नशे में ही फर्क आया था मैडम के आने के बाद, और भी चीज़ों बच्चे आवारा भटकते थे। हाँ आप क्या कहेंगे? अच्छा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले और हमसे जुड़े।